रविवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए पीएम मोदी ने वादा किया कि वो आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे। श्रीनगर में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर निशाना साधते हुए दूसरों के सपनों को मारना सबसे बड़ी कायरता बताया। साथ ही पीएम मोदी ने हर शहीद के परिवार को विश्वास दिलाया कि देश और सरकार हर समय और हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहेगी। इस मौके पर पीएम ने कांग्रेस पर भी हमला बोला और राज्य में आतंकवाद के लिए कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार माना। पीएम मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से हमने साफ कर दिया है कि आतंकवाद को लेकर भारत अब क्या नीति अपनाएगा। मैं आज आपको जम्मू कश्मीर के नौजवानों को और पूरे देश को यह विश्वास दिलाता हूं, इस आतंक का पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा, हर आतंकी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक करके हम पूरी दुनिया को बता चुके हैं कि अब भारत की नई नीति और नई रीति क्या होगी। हम जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद की कमर तोड़ करके ही रहेंगे। जम्मू कश्मीर का विकास, यहां के लोगों का विकास, यह हमारी प्राथमिकता है और हमेशा रहेगी। के पास नोएडा में फ्लैट नहीं मिलने से खफा लोगों ने आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों में एक को बंधक बनाया। लोगों ने आरोप लगाया कि 10 साल बीतने के बाद भी बिल्डर ने उनको फ्लैट बनाकर नहीं दिए, जबकि उनको हर महीने फ्लैट के लिए लिए गए कर्ज पर ईएमआई चुकानी पड़ रही है, जिससे खफा खरीदारों ने आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों में अभय कुमार को घेर लिया और उनके साथ जमकर बहस की। अरे अभय जी, आप मेरे पैसे लेके ऐसे नहीं भाग सकते। फ्लैट नहीं मिलने से गुस्साए लोगों ने अभय कुमार पर उनके साथ धोखेबाजी करने और एक ही फ्लैट को कई लोगों को बेचने का आरोप लगाया। हर दो महीने तीन महीने में ये डेट देते जा रहे हैं कि जी हम आपको घर की पोजीशन दे देंगे डबल से, और इन्होंने वहाँ पे एक एक फ्लैट को तीन तीन लोगों को बेच रखा है। इस बीच बिल्डर का बेटा आकाश शर्मा का बेटा भी लोगों को समझाने के लिए बाहर निकला, लेकिन वो प्रदर्शन कर रहे लोगों से उलझ गया और उसकी वहाँ मौजूद लोगों के साथ धक्का मुक्की हो गयी। लोगों ने आरोप लगाया कि बिल्डर ने अपने पार्टनर के साथ मिलकर उनके साथ धोखाधड़ी की, लेकिन जवाब मांगने पर बिल्डर उनको नई तारीख देकर तरकाते रहे और 10 साल बीतने के बाद भी उनको उनके फ्लैट बनाकर नहीं दिए, जिसकी वजह से गुस्साए लोगों ने बिल्डर को घेर लिया और उनसे अपनी रकम के बारे में सवाल जवाब करने लगे। लोगों के तेवर देखकर बिल्डर अभय कुमार ने उनसे माफी मांगी और जल्द से जल्द उनके फ्लैट बनाकर देने का वादा किया। हमने कुछ कमिटमेंट किए थे कि शुरू कर देंगे, लेकिन प्रॉपरली शुरू नहीं हो पाया, लेकिन हम विद इन ए वीक और सो शुरू कर देंगे विद इन 10 डेज। वहीं हंगामा होने की जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची और गुस्साए लोगों को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद बिल्डर अभय कुमार को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया जा सका।